हो राजधानी, राजधानी। आज मालेगांव शहर का एक चहल पहल रखने वाला इलाका भंगार बाजार का पूरी तरह से अतिक्रमण जनता दल के लोगों ने खड़े होकर हटा दिया। जनता दल के जो जिम्मेदार है उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किया और उनके मौजूदगी में पूरा अतिक्रमण हटाया, पूरा सुपड़ा साफ हुआ। ऐसा है, अतिक्रमण हटना चाहिए, मैं भी इस राय का हूं। मैंने तो 5 साल पहले इसकी मुहिम चलाया था, लेकिन जब कोई शहर का बंदा खड़े नहीं हुआ था ना कोई पार्टी के लोग खड़े हुए, लेकिन आज वो वक्त नहीं। हमारे बुजुर्ग रहीम न्यायालय साहब के लोगों को बसाया करते थे, शहरों के कारोबार के लिए बोलो, रहने के लिए बोलो, ये जनता दल वाले बोलते हैं, है ना। झोपड़पट्टी बसात सभा उनकी बाकायदा कमेटियां बनी रही थी, है ना। तो ये आज मैंने जैसे बोला कि अभी 3-4 अप्रैल से रमजान लग जाएगा, अभी सब बरात है, रमजान है। ये छोटे मोटे धंधे वाले, कोई भी छोटे मोटे धंधे वाला, इधर रोड वाले हो, मोहम्मद अली रोड वाले हो, या फिर अहमद रजा रोड वाले हो, है ना, ये तीनों रास्ते जो है, ये छोटे मोटे धंधा करने वाले लोग हैं, रोज की रोटी रोजी कमाने वाले लोग हैं। पीछे इन्होंने 2 कोविड की मार झेले, कारोबार बंद रहे, बिजनेस कर नहीं पाए, उसमें लॉस हुआ। तीसरा कोविड आया, लेकिन थोड़ा मालेगांव के अंदर डर निकल गया था, तो भी लोगों ने धंधा पानी और अधिकारियों ने भी देख करके इसको समझा। लेकिन ये अजीब बात आप लोगों ने बताया कि जनता दल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे और अतिक्रमण हटा रहे, तो भी ऐसे टाइम जब त्योहार बार आ रहा है, जब उनका आज लोगों की जरूरत है जिस बात की। हाँ, ये होना चाहिए था कि भाई थोड़ा दबा के लगाओ, साइड से लगाओ, मोटरसाइकिल बढ़ा के लगाते थे, गिराए कहते थे, मैं भी देखता हूँ। तो ये तो बराबर बात है, ये तो उन गरीब भाइयों के लिए, गरीब भाइयों के साथ में, है ना, उनकी रोटी रोजी से खेला जा रहा है, और ये बात के लिए अच्छी बात नहीं है। अब ठीक है, उन्होंने अगर अतिक्रमण निकाला है, शायद कानपुर शरीफ भी निकाले भी होंगे, आपके बताने के हिसाब से, मैं तो उधर था नहीं, देखा नहीं, मुझे इनमें भी था नहीं, यदि आप लोग ने बताया तो मालूम पड़ा। तो बहरहाल मैं तो आयुक्त वगैरह साहब से इससे गुजारिश करूंगा कि भाई अभी, और पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा, अतिक्रमण से गुजारिश करूंगा कि भाई अभी रमजान आने वाला है, ईद त्यौहार का टाइम है, गरीब भाई है, उनके लिए धंधे पानी का मसला है, कारोबार जरूरी है, है ना, इसके लिए उनके साथ में रियायत बढ़ती है। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।